हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर सामने आई है। कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर से एक लेटर प्रेषित किया गया है और ये किया गया है प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग को। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग को ये जारी किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय आप देख सकते हैं, स्थानांतरण आदेश की स्थिति यथावत बनाए रखे जाने बाबत संदर्भ, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है इसको आदेश दिया गया, आदेशित किया गया है। उपरोक्त तो विषय अंतर्गत लेख है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि आचार संहिता लगा हुआ है और उसी को लेकर के यहाँ पर एक आदेश स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जारी तिथि से राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। उक्त आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को, ये स्कूल शिक्षा विभाग की बात की जा रही है, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापना, भार मुक्ति, पद ग्रहण, पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो इतनी सारी चीज़ों की जो है अनुमति उनको नहीं दी जाएगी, चाहे वो नियुक्ति है, स्थानांतरण है, पदस्थापना है, भार मुक्ति है, पद ग्रहण है, पदोन्नति इत्यादि की अनुमति नहीं दी जा सकती। उक्त निर्देशों का उल्लंघन कर विभाग के द्वारा नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापना, भार मुक्ति, पद ग्रहण, पदोन्नति संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये लेटर जारी किया गया है, यानी कि आचार संहिता की वजह से सभी चीज़ों को अभी कोई भी कार्यवाही अभी नहीं होगी, जितनी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। अतएव जारी आदेश तत्काल यथास्थिति बनाया रखा जावे एवं किसी भी अधिकारी का बिना भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापना, भार मुक्ति, पद ग्रहण, पदोन्नति नहीं की जावे। ठीक है, तो बिना भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के, और एक खबर सामने आई थी कि स्कूल शिक्षा विभाग में जो अभी शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें जो बाकी बचे सीटों पर नियुक्ति करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति की मांग की गई है, इस प्रकार की खबरें सामने आई थी। ठीक है, आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा आप लोगों को दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो है अपडेट यही है कि बिना भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के इतनी ये कोई भी चीज़ जो है कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग में नहीं होगी। तो इसी वजह से भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति की मांग की गई है, जो बचे हुए सीट हैं उसको भरने के लिए, इस प्रकार की खबरें सामने आई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नोटिस आएगी तभी जो है ये चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर आगे के अपडेट के लिए आप बने रहिएगा चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।